अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बना रहे हैं हम तंदूरी चिकन। देखिए, जिसके लिए चाहिए हमें 1 केजी चिकन है। आपके हिसाब से आप कितना भी लीजिए, उसके हिसाब से आप मसाले भी बढ़ा लेंगे। अब इसको हम चिकन को ऐसे कट छुरी की तरफ मदद से इसको हम कट लगा देंगे। ये है 1 आध नींबू और ये है नमक 2 चम्मच, ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, ये अदरक लहसुन पेस्ट है 3 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच, और दही है ये पानी निथारा हुआ, और ये है एवरेस्ट का तंदूरी चिकन मसाला। ये देखिए तंदूरी चिकन मसाला है, इसको मैं भी इसमें मिलाऊंगी। पहले हम नींबू को मिलाएंगे, नींबू और नमक को डालकर पहले इसमें लगा देंगे। ऐसे अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसको लगाने पहले अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए पहले रख देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। मैं अदरक लहसुन हल्दी मिर्ची जो ये मसाले बताई हूँ ये सब डाल देंगे। अगर आप लोग गोश्त बढ़ा देंगे तो मसाले भी बढ़ा लें। अब हम इसमें एवरेस्ट का तंदूरी चिकन मसाला डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम रेड कलर है, ये फूड कलर ऑप्शनल है, ये आप लोगों की मर्ज़ी। इसमें डालने से कलर रेड कलर आएगा और साथ ही साथ दही भी डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले गोश्त में अच्छी तरीके से लग जाने चाहिए। दही डाल दी हूँ मैं। ये देखिए मसाले अच्छे लग गए हैं। अब इसको मैं आधा घंटे के लिए छोड़ दी हूँ। आधा घंटे के बाद मैं इसको निकालूँगी फ्राई करने के लिए। अब हम कढ़ाई रखेंगे, तेल डालेंगे थोड़ा उसमें। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे, मसाले लगे हुए चिकन को। तेल थोड़ा कुनकुना होने के बाद ही डालेंगे, ज़्यादा गर्म होने नहीं देंगे। ये देखिए आधा घंटे के बाद चिकन में अच्छा मसाला लग चुका है। अब ये देखिए हल्लू हल्लू धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। इसको हम थोड़ी देर तेज़ आंच पर बनाएंगे, फिर थोड़ी देर हम इसको धीमी आंच पर पकाएंगे, क्योंकि ये चिकन हमें गलना भी चाहिए। अगर सारा गोश्त हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो गोश्त कच्चा ही रह जाएगा अंदर से, इसलिए हमें 10 मिनट थोड़ी देर के लिए इसको हम धीमी आंच पर पकाना बहुत ज़रूरी है। अभी तेज़ आंच पर है ये। पहले तेज़ आंच पर इसलिए रखेंगे कि मसाले धीमी आंच पर रखेंगे तो सारे घुल जाएंगे, इसलिए हम तेज़ आंच पर पहले रखेंगे, सारे चिकन को मसाले पकड़ लेंगे, उसके बाद हम धीमी आंच करेंगे। ये देखिए धीमी आंच पर पका ली हूँ मैं। चिकन का हमारा मसाला पूरा लग चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये मसाला जला हुआ है इसको पहले निकाल लेंगे, ताकि हमारा जो भी बस और चिकन है उसको भी फ्राई करना है। इसमें ही हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे। ये देखिए मैंने साफ़ कर दिया है वो, और थोड़ा तेल डाल दी हूँ मैं। उसको भी गर्म करने के बाद इसमें हम चिकन बाकी का डाल देंगे।
देखिए थोड़ी देर बाद ये भी हो जाएगा। ढक्कन से ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए एक तरफ से अच्छे से हो चुका है। इसको पलटा लेंगे फिर। अच्छे से पलटाने के बाद उसको फिर धीमी आंच पर पकाएंगे। अब ये हो चुका है, देखिए निकाल के डिश पर बताऊंगी मैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कोयले को हम आग चूल्हे पर रख कर जला लेंगे। इसकी हम भाप देंगे। पहले फिर ये गोश्त निकाल कर ये कोयला रख कर तेल डालेंगे और इसकी स्मोकी स्मेल इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, खाने में बहुत लजीज लगेगा। ये देखिए 5 मिनट के लिए ही छोड़ देंगे इसको हम। ये देखिए हमारा बन चुका है तंदूरी चिकन एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।